Hello everyone and welcome to Mathematics Scholeío. Here I am with yet another interesting and challenging problem which I will solve using two methods, and by the end of video you will learn a beautiful application of Babbage's method. So let's start. Question is, all four digit numbers of form x1, x2, x3, x4 are formed by using digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 such that x1 less than equals to x2 less than equals to x3 less than equals to x4 and written in ascending order. Means numbers we are writing in ascending order like dictionary problem, right? Then the number with rank 460. That is what we have to find. Okay, we, as I promised, we will solve this question by using two methods. Come with first method. It is a number of four digits. So I'm writing here four digits. This is one, first digit, second, third, fourth. And we have to arrange the numbers in ascending order like we do in dictionary problem. So first of all, if I ask you how many numbers are there starting with 1? How many numbers are there starting with 1? Now, because condition is x1 less than equals to x2, less than equals to x3, less than equals to x4. इसका ये मतलब हुआ कि इक्वालिटी भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि सेकंड जो डिजिट है वो 1 ही हो. तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स हम कैसे लिख सकते हैं. तो देखो, सबसे पहले जो पहला केस होगा वो हम लेंगे कि व्हेन ऑल फोर डिजिट्स आर डिफरेंट. ऑल फोर डिजिट्स आर डिफरेंट, इसका क्या मतलब हुआ, 1 ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, तो जो रेस्ट ऑफ 8 डिजिट्स हैं उनमें से आप कोई भी 3 डिजिट्स सिलेक्ट कर लीजिए. तो 1 से स्टार्ट होने वाले और सभी डिजिट्स डिफरेंट हो वो कितने हो जाएंगे, 8C3 प्लस. जब हम टोटल 3 डिजिट्स यूज करेंगे, अब 1 तो यूज हो चुका है ना ऑलरेडी, टोटल 3 यानी कि जो बचे हुए 8 डिजिट्स हैं उनमें से कोई भी 2 डिजिट्स हम सिलेक्ट करेंगे. लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, वो क्या, मान लो हम लोगों ने 1 हमारे पास ऑलरेडी था, हम लोगों ने 2 और 3 सिलेक्ट किया. अब कोई एक डिजिट 2 बार रिपीट होगा, या तो 1 रिपीट होगा, या 2 रिपीट होगा, या 3 रिपीट होगा. अगर 1 रिपीट होता है तो 1 यहाँ आएगा, 2, 3 बाकी जगह आएगा. अगर 2 रिपीट होता है तो 2, 2 यहाँ आएगा, 3 लास्ट में आएगा. ऐसा क्यों, क्योंकि डिजिट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, x1 less than equals to x2 less than equals to x3 less than equals to x4. तो अगर इस तरह से हम अरेंज कर रहे हैं, अगर हम टोटल 3 डिजिट्स यूज कर रहे हैं, तो कितनी वेज में उन 3 डिजिट्स को हम अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे 1, अगर 1 2 बार हो तो 1, 1, 2, 3 एक केस, 2 2 बार हो तो 1, 2, 2, 3 दूसरा केस, 3 2 बार हो तो 1, 2, 3, 3. तो टोटल हमारे पास 3 ही केसेस होंगे. फर्स्ट केस व्हेन ऑल 4 आर डिफरेंट डिजिट्स, सेकंड केस व्हेन वी आर यूजिंग 3 डिजिट्स, थर्ड केस व्हेन वी आर यूजिंग 2 डिफरेंट डिजिट्स. तो एक और डिजिट हम लोगों ने सिलेक्ट किया. ठीक है, एक और डिजिट हम लोगों ने सिलेक्ट किया. अब देखो, 2 डिजिट्स हम यूज करने वाले हैं, तो हम मान लेते हैं कि अगर हम 1 और 2 यूज करें तो कितनी वेज में हम नंबर्स बना सकते हैं, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए. पहला केस होगा 1, 2, 2, 2 यानी कि 3 टाइम्स 2 और 1. दूसरा केस 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 2. तीसरा केस 3 टाइम्स 1, 1 टाइम 2 यानी कि टोटल कितने केस हुए हमारे पास, 3. ठीक है, लास्ट केस व्हेन वी आर यूजिंग ओनली 1 डिजिट, राइट, तो वो तो 1 सिलेक्ट हो चुका है, तो ओनली 1 डिजिट का मतलब हुआ कि सभी डिजिट जो होंगे वो 1 ही होंगे, यानी कि नंबर्स स्टार्ट्स विद 1 इज इक्वल्स टू 8C3 प्लस 8C2 प्लस इंटू 3 प्लस 8C1 इंटू 3 प्लस 1, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 165. चलो, अब नंबर्स स्टार्ट्स विद 2, केसेस वैसे ही लेने हैं हम लोगों को. अगर 2 से स्टार्ट होता है नंबर और चारों नंबर्स डिफरेंट हैं, 2 से स्टार्ट होता है नंबर और चारों नंबर्स डिफरेंट हैं, तो कितनी वेज में वो हो पाएगा, बताओ कितनी वेज में वो हो पाएगा. 2 से स्टार्ट हुआ, चारों नंबर्स डिफरेंट हैं, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन 7, ये जो 7 डिजिट्स हैं, इन 7 डिजिट से हमें 3 डिजिट सेलेक्ट करने हैं। ये जो 7 डिजिट्स हैं इनसे हमें 3 डिजिट सेलेक्ट करने हैं। तो 7C3 प्लस अगर हमें 3 डिजिट्स यूज करने हैं तो 7C2 × 3। अगर हमें 2 डिजिट यूज करने हैं तो 7C1 × 3 और एक ही डिजिट अगर यूज करना है तो ऑब्वियसली वो डिजिट 2 ही होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये 120। ऐसे ही जब हम स्टार्ट करेंगे नंबर्स 3 से, उस पर्टिकुलर केस में अगर चारों डिजिट्स आपको डिफरेंट चाहिए तो 6 जो डिजिट्स बचे हैं उसमें से 3 सिलेक्ट करें, या फिर 6 डिजिट्स में से 2 सिलेक्ट करें। नंबर ऑफ वेज 3, ये 3 क्यों आ रहा है ये चीज हम एक्सप्लेन कर चुके हैं फर्स्ट वाले केस में। 6C 1 × 3 + 1, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 84। इसके बाद वो नंबर्स जो 4 से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ मैं सॉल्व करने की जगह डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी 56। और लास्ट में वो नंबर्स जो 5 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1, 2, 3, वो नंबर्स जो 5 से स्टार्ट हो रहे हैं, इन द सेम मैनर व्हेन यू विल कैलकुलेट, ये आपके पास आ जाएगा 35। एक बार आप सभी को ऐड करें तो ये आ जाएगा 5, 5, 10, 20, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 6, राइट, ये 6 आ रहा है और ये 4, यानी कि 460। हमें कौन सा नंबर फाइंड करना है? 460। इसका ये मतलब हुआ, क्योंकि ये सारा सम 460 आ रहा है, यानी कि 5 से स्टार्ट होने वाला जब हम लास्ट नंबर काउंट करते हैं और उसका रैंक फाइंड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 460। तो 460th नंबर कौन सा होगा? 460th नंबर होगा हमारा 5 से स्टार्ट होने वाला लास्ट नंबर 5999। तो ये आपका आंसर है। ये एक मेथड। सेकंड मेथड में हम यूज कर रहे हैं बैगर्स मेथड। अब सेकंड मेथड इसलिए अच्छा है क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि डिक्शनरी प्रॉब्लम में हम बैगर्स मेथड यूज करेंगे। तो एप्लीकेशन देखो बैगर्स मेथड की, क्या शानदार है, नहीं? तो मेथड 2 पे अब आ जाओ आप लोग। अब मेथड स्टार्ट हम वैसे ही करेंगे, कैसे कि ये x1 है, x1, x2, x3, x4। पहला केस जब 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक। हमारे पास डिजिट्स कौन कौन से हैं? हमारे पास डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ध्यान से समझें, देखो 1 तो फिक्स हो गया, ठीक है, 1 हमारे पास फिक्स हो गया। अब ये जो 9 डिजिट्स हैं, इनमें से किसी की भी वैल्यू x1, x2, x3, x4 हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि x1, x2, x3, x4 चारों 1 के इक्वल हो सकता है ना, ऐसा कि चारों 1 के इक्वल हो। और ऐसा भी हो सकता है, अच्छा एक और बात, x1 तो फिक्स हो गया, तो ऐसा हो सकता है कि 1 तीनों की वैल्यू हो, ऐसा भी हो सकता है कि 2 तीनों की वैल्यू हो, ऐसा भी हो सकता है कि 2 × 2 की वैल्यू हो। मतलब ये हुआ कि जो ये 1, 2, 3, 4 up to 9 है, इन 9 को हम बैगर मान सकते हैं, इन्हें हम लोग बैगर मानेंगे और x2, x3, x4 को ऑब्जेक्ट्स मानेंगे। क्योंकि अगर 1 को तीनों ऑब्जेक्ट मिलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ, 1 को तीनों ऑब्जेक्ट मिलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों प्लेसेस पे 1 ही फिल होगा। अगर मान लो 2 को 2 ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, 3 को 1 ऑब्जेक्ट मिलता है, तो इसका ये मतलब हुआ कि x2 x3 की वैल्यू 2 होगी और 3 x4 की वैल्यू 3 होगी। उन्हें अरेंज एक ही वे में कर सकते हैं क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए। तो हम कैसे कोरिलेट कर रहे हैं? ये 9 बैगर्स हैं, ये जो डिजिट्स हैं ये 9 बैगर्स हैं, जिन्हें 3 चीजें हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो वो कितनी वेज में हो सकता है? 9 बैगर्स हैं तीन चीजें हमें उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, आपको अगर बैगर्स मेथड याद हो, ये है नंबर ऑफ थिंग्स प्लस बैगर माइनस वन सी बैगर माइनस वन, नंबर ऑफ थिंग्स प्लस बैगर माइनस वन सी बैगर माइनस वन, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 165। सिमिलरली जो सेकंड केस है वो स्टार्ट होगा 2 से, यानी कि x1 तो फिक्स हो गया, तो कितने 3 प्लेसेस रह गए। अब मैंने क्या कहा कि जो प्लेसेस हैं उन्हें एज अलाइक ऑब्जेक्ट्स मानेंगे। आपका डाउट हो सकता है सर अलाइक ऑब्जेक्ट क्यों, डिजिट्स तो डिफरेंट है। भाई उन्हें अरेंज करने का जो रास्ते हैं वो एक ही है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्हें अरेंज करना है, तो इसलिए हम ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो बैगर, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स तो फिर से 3 हैं, लेकिन बैगर सब 1 नहीं ले सकते, बैगर सब 8 रह गए हैं, 2 3 4 5 2 2 9। तो 8 बैगर्स 3 ऑब्जेक्ट्स, 3 प्लस बैगर माइनस 1 सी बैगर माइनस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10C7। आप लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू आ जाएगी 120। फिर नेक्स्ट जो केस होगा उस केस में 3 को हम फिक्स कर लेंगे, 3 फिक्स अगर हो गया 2 अब यूज नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे पास 7 बैगर्स होंगे और 3 ऑब्जेक्ट्स होंगे, 7 बैगर्स 3 ऑब्जेक्ट्स, 3 प्लस बैगर माइनस 1 सी बैगर माइनस 1। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, ये जो वैल्यू आएगी ये होगी 84। सिमिलरली जो 4 से स्टार्ट होगा उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 56, जो 5 से स्टार्ट होगा उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 35। इन सभी को ऐड करके हमें जो वैल्यू मिलती है वो है 460, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि 5 से स्टार्ट होने वाला जो लास्ट नंबर होगा वही हमें कैलकुलेट करना है, और वो नंबर क्या होगा 599, ओके। अब एक सिमिलर क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेम कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले टोटल कितने नंबर्स होंगे, टोटल पॉसिबल नंबर्स, तो वो आप कैलकुलेट करें और मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या है, टोटल पॉसिबल नंबर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने दोनों मेथड्स अच्छे से समझे। मैं पर्सनली सेकंड मेथड लाइक करता हूं। देखो कैसे ब्यूटीफुली हम लोगों ने डिक्शनरी टाइप प्रॉब्लम में बैगर मेथड लगाया है ना। तो अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के वीडियो आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बाय बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।